कह सकते हो कि साउथ में लगभग मैं हर स्टेट विजिट कर चुका हूँ अपनी बाइक से, ईच एंड एवरी स्टेट। एक्सीडेंट हुआ है तगड़ा वाला मुझे लग रहा है। ओ भाई साहब, एम्बुलेंस क्यों नहीं बुला रहे लोग? अबे तो कर्मचारी हैं शायद। ओ भाई गलत, ये ट्रैक्टर से ही हुआ है। ओहो, वेलकम बैक टू दी चैनल, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए फ्रेश ब्लॉग में। मैं हूँ अभी हैदराबाद तेलंगाना में। कल रात को यहाँ पर आ गए थे, आप लोगों ने देखा होगा लास्ट ब्लॉग, और पूरी रात मैंने ऑफिस किया। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10, और उम्मीद तो मेरे को ये थी कि मैं उठूंगा लेट 11:30 में। नीचे बात भी कर ली थी कि चेकआउट में थोड़ा लेट करूंगा, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, चेकआउट करते हैं ऐसे फटाफट। ज़्यादा सामान मैं लेके आया नहीं था, क्योंकि वापस से सारे पैनियर्स निकालो लगाओ तो उस चीज़ में सारी दिक्कत हो जाती है। तीसरे फ्लोर पे आ रहा हूँ, इसलिए मैंने अपने पिट्ठू बैग में सारा सामान डाल लिया था और ऐसे ही ले आया था अपना लैपटॉप वगैरह काम करने के लिए, कैमरा वगैरह फुटेज वगैरह सब ट्रांसफर कर लिया, हेलमेट साफ कर लिया जो कल इतने कीड़े मरे पड़े थे इसके ऊपर। चलो जी निकला जाए यहाँ से, यही था होटल। होटल की पार्किंग भी सही है यार, अंदर देख रहे हो लग रहा है आपको ओयो है ये पार्किंग है सिर्फ यहाँ की। धूप बहुत तेज हो रही है बाहर, निकलते हैं। कल रात को कितना ढूंढने में मिला था मुझे होटल सीरियसली, और इधर से आया था मैं और इसी तरफ वापस जाना है मुझे। बट अभी मैं जा रहा हूँ सिटी के और अंदर, एकदम बीचों बीच चार मीनार के पास सिकंदराबाद होते हुए निकलूँगा। तो देखते हैं हैदराबाद शहर कैसा है। वैसे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर भी, सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ट्रैफिक तो है ही है वैसे। और भैया बता रहे थे ये जहाँ पर मैं रुका हूँ ना इस टाइम पर, ये इंडस्ट्रियल एरिया है और वैसे भी ये एकदम आउटस्कर्ट्स में पड़ता है हैदराबाद के। तो जो मेन हैदराबाद है वो चार मीनार की साइड या फिर अमीर पेट करके एक जगह है, सिकंदराबाद है, इन सबको मेन हैदराबाद कहते हैं जो सेंटर पड़ता है। शायद और भी मेन सिटीज़ कुछ और हूँ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट ये सब मैंने मैप पे भी देखा था ना तो एकदम सेंटर में दिखा रहा था हैदराबाद के। आपको पता है स्टार्टिंग में जब मैं TS नंबर प्लेट देखता था ना कहीं पे, तो मुझे लगता था यार कौन से स्टेट की है, क्योंकि सारे स्टेट में एकदम रिकॉल कर लेता था। तेलंगाना वाला सीन एकदम नया नया हुआ था, तो फिर मुझे लगता था आंध्र प्रदेश AP होता है, कर्नाटका KA होता है, तमिलनाडु TN होता है, केरला KL होता है, तो समझ नहीं आता था TS है कहाँ की। तो मुझे लगता था जैसे BH भारत है ना वैसे ही TS भी कुछ होता होगा, बट तेलंगाना आगे पता चला कि तेलंगाना की जो नंबर प्लेट है वो है TS। कह सकते हो कि साउथ में लगभग मैं हर स्टेट विजिट कर चुका हूँ अपनी बाइक से, ईच एंड एवरी स्टेट। यहाँ सारी जगह का नाम पेट करके, और रुक जाओ भैया, वगैरह यहाँ सारी जगह का नाम पेट करके क्यों है भाई? ऊपर अभी बोर्ड लगा था पीछे, अमीर पेट, बेगम पेट और एक दो पेट और भी लिखे हुए थे। एकदम ही मार्केट वाली जगह है ये भाई। सही बात है, हैदराबाद में बिरयानी ऐसी फेमस नहीं है, हर जगह हर गली मोहल्ले में बिरयानी की शॉप है, हर जगह आपको वो दिख जाएगा। वो बड़ा सा गोल सा बर्तन होता है जिसमें बिरयानी रखते हैं बहुत सारी। अरे यार यहाँ से यूटर्न लेना था, शिट, पता नहीं कौन सा एरिया है यार, शायद से ये कोई यूनिवर्सिटी है क्योंकि सारे वो लिखे हुए हैं यहाँ पे, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। कॉलेज का नाम क्या है भाई? ये रहा भाई सामने हाईवे, मैप पे तो ये दिखा रहा है कि यही रोड सीधी पहुँचाएगी एकदम सीधा, कहीं नहीं मुंडा नागपुर। कल भी मुझे लग रहा है हैदराबाद बाईपास करते ना इसी रोड पे लाके मिला देता वो रास्ता जो कल दिखा रहा था 500 किलोमीटर, बट भाई क्या मक्खन रोड है। बट भाई ये जंगल है लेफ्ट राइट में, रात को तो जंगल ही दिखेगा, बट अभी तो ठीक है बढ़िया रोड। अभी भी बचा है लगभग 430 किलोमीटर। ये ढाबा दिखाया भाई पीछे, चलो इसी पे खा लेते हैं, भूख लग रही है बड़ी तेज, जैसा मिल जाए वही बहुत है। एक तो मेरे पास कैश नहीं है, एक बार चल के पहले इनसे पूछता हूँ हो जाएगा पेटीएम फोन पे कि नहीं, हो लगा तो है स्कैनर फोन पे का। ये है भाई पनीर हांडी मसाला, दिखने में तो सही लग रहा है, बहुत जबरदस्त। चलो भाई लंच हो गया, इतना कुछ खास नहीं था, मैंने ज़्यादा खाया भी नहीं, मसाला भर पड़ा था। खाना खाते ना एकदम से वापस से नींद से आने लगती है। मेन हाईवे पे किस बात का जाम लग जाता है समझ नहीं आता। एक्सीडेंट हुआ है यहाँ तगड़ा वाला मुझे लग रहा है। ओ भाई साहब, कुछ तो सीन हुआ है यहाँ पे। फिर भाई एम्बुलेंस क्यों नहीं बुला रहे लोग? अबे तो कर्मचारी हैं शायद। ओ भाई गलत, ये ट्रैक्टर से ही हुआ है। ओहो, खतरनाक भाई, गॉड ब्लेस देम। ट्रैक्टर से कैसे हो सकता है यार, ट्रैक्टर इतना तेज कहाँ चलता है? बहुत लोग होते हैं बोलते रोड का, आप रैश ड्राइविंग करते हो, रैश राइडिंग करते हो, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, सेफ नहीं है ये, बताओ इन बेचारों की क्या गलती थी? तो बेचारे काम कर रहे थे भाई, है ना, किसी दूसरे की गलती से भी कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। तो पर हमें तो इतनी राइड करनी पड़ती है, रोड पर आए दिन एक्सीडेंट देखते रहते हैं, इसलिए भाई अपने एंड से तो बहुत सेफ ही चलाते हैं हम लोग, बट दूसरे की गलती है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब मेरा वहाँ पर रुकने का मतलब इसलिए भी नहीं बनता था क्योंकि एम्बुलेंस जैसे आपने देखा आई गई थी तुरंत ही, और जस्ट अभी हुआ होगा एक्सीडेंट क्योंकि अभी तक एम्बुलेंस जस्ट अभी पहुँची है भाई। पर एकदम दिमाग ठंडा पड़ गया मेरा तो देख के। पेट्रोल पम्प इस पे है? हाँ है इस पे, चलो फ्यूल अप करवाते हैं पहले। ये कैसा पेट्रोल पम्प है भाई?
चलो जी निकले यहाँ से, फ्यूल अप भी करवा लिया और एयर सीट्स भी थोड़ी ना इधर उधर हो रही थी वो भी सेट कर ली। हो गई वापस से सही रेंज। क्या व्यू था यार, क्या व्यू था सीरियसली, एकदम ग्रीनरी और एकदम रेड सन। मेरा इतना मन कर रहा था ना रुक के फोटो खींचने का, फिर याद आया कि भाई आईफोन तो अपना ख़राब ही हो चुका है, कैमरा ही नहीं चल रहा उसका। ओहो बढ़िया फोटो आती है यार, देख सकते हो आप बीच में दिख रहा होगा आपको, और एकदम ग्रीनरी थी ऐसे, देख रहे हो खेत हैं प्रॉपर, क्या फोटो आती पीछे से बाइक लगा के। फाइनली महाराष्ट्र वापस से एंटर कर चुके हैं भाई, टाइम हो रहा है 7:40 और ये है महाराष्ट्र बॉर्डर, ये बेसिकली चेक पोस्ट है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र एंटर कर चुके हैं ऑफिशियली, अब यहाँ से रह गया है 160 किलोमीटर। माई गॉड भूख भी लग रही है मेरे को, थकान भी हो रही है, मैं सोच रहा हूँ रुकूँ। 12 बजे एस्टिमेटेड अराइवल से मैं 10:30 लेके आया हूँ, और अगर मैं रुक गया तो वापस से 11 हो जाएगा, और इसको मुझे 10 करना है क्योंकि मुझे 10 बजे पहुँचना है किसी भी तरीके से। यही होता है यार अगर ऑफिस के साथ मैनेज किया जाए ना, अगर भी मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता ना 10 बजे लॉग इन करने का, तो 10 कुछ भी नहीं होता, 11:30 भी मैं इजीली पहुँच जाता तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, बट मुझे 10 बजे किसी ना किसी तरीके से पहुँचना ही है, मुझे भूख कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ रही है अपनी। यहीं कहीं पर रुक के एक चाय पी ली जाए क्या, सोच तो मैं रहा हूँ ऐसा ही। चलो जी चलो चाय पीते हैं एक, यहाँ से ज़्यादा नहीं है, एक स्ट्रेच में मार दूँगा अब। कुछ तो ठंड हो रही है भाई नॉर्थ में, हेलमेट उतारते कान मेरे ऐसे ठंडे हो गए ना लिटरली। चाय मिल गई जबरदस्त एकदम, विशाल मैंने बोला था भैया चाय अच्छी नहीं मिलेगी, चाय बना दो बढ़िया सी। अब यहाँ से 120 किलोमीटर रह गया, तो वन गो में खींच दूंगा मैं, पीछे ढाबा था यहीं रुक गया था मैं, ऑफ फ्रंट कैमरे से करना पड़ रहा है मतलब शूट भी, अब या तो कैमरा निकालो अंदर से, मैं बटे छोटे मोटे जो शॉट्स लेना था फ्रंट कैमरा से लगा देता हूँ, वापस जाके कैमरा ठीक होगा तभी कुछ हो पाएगा। हाथ पैर ना थोड़े से ना संभाल के चलाने पड़ेंगे मेरे को, किस्मत में ही नसूम है। अभी बड़ा गंदा गिरा हेलमेट, टूटते बचा एकदम, जिसके ऊपर रखा था टॉप बॉक्स के ऊपर, बाइक पे ऐसे ही बैठ गया मैं, नीचे गिरा धड़ाम, मुझे लगा भाई गया, और अगर इसका अडैप्टर गया होगा तो आवाज़ भी नहीं आएगी। आज और कल साथ देते, उसके बाद मैंने एक माइक पता किया बढ़िया वाला, ये जो माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ ना ये बोया का है, अरे यार चाबी का रख दी, सॉरी बोया का नहीं है, मोआना या माओना करके कोई कंपनी है उसका है, तो ये माइक तो ऐसे नो डाउट काफ़ी अच्छा है, बट इसके साथ दिक्कत सिर्फ ये है कि इसके आगे लगता है एक अडैप्टर, मेल टू फीमेल अडैप्टर होता है, ठीक है वो लगता है, उसकी वजह से क्या होता है ना आगे का ये बहुत लंबा हो जाता है इसका जो पिन है, तो वो हवा से भी टेढ़ा हो जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा दिक्कत है इसके साथ, और वो अलग से मिलता नहीं, अगर अडैप्टर खराब हो तो दोबारा से माइक लेना पड़ता है। तो ये गाड़ी वाले हैं ना ये पता नहीं किस बात की रेस लगा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। आगे देखो आगे आ गया ये, अब एकदम स्लो स्लो चलता रहेगा, क्या मजे लेने का शौक है। फाइनली भाई इस ट्रिप के 6,000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं, मैंने नहीं सोचा था कि इस पूरी राइड पे 6,000 किलोमीटर टोटल मिला के भी होंगे, मुझे लग रहा था कि 4,500-5,000 किलोमीटर की राइड होगी मैक्स टू मैक्स, बट भाई अभी तक मैं घर भी नहीं पहुंचा और 6,000 कंप्लीट हो गया, मतलब हद है। 10,000 में मैं सेकंड सर्विस करा के आया था, और अब वापस जाके वापस से सर्विस का टाइम आ ही जाएगा, क्योंकि एक दो राइड और मारी अगर मैंने तो आ ही जाएगा, और 6,000 कंप्लीटेड है अभी भी, यहाँ से मेरा घर अराउंड 800 किलोमीटर है। स्टिल 90 किलोमीटर्स टू गो, और मेरे GoPro की बैटरी होने वाली है डिस्चार्ज, तो अगर थोड़ा बहुत कुछ यूनिक मिलता है तो मैं सोच रहा हूँ 5-6% बचा लूँ वो शूट करने के लिए, और अगर नहीं मिलता तो सीधा मैं मिलूँगा आपसे होटल में, कि नहीं पता मुझे कि मैं अपना अलग होटल लेने वाला हूँ बाहर या उनके होटल में जाऊँगा, अभी देखते हैं चल के जैसा भी होगा। अब मैंने किसी तरीके से टाइम कर दिया 10:20, तो ठीक है पहुँच जाना चाहिए आराम से, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तो मिलते हैं अभी सीधा होटल में।